हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एनकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, कुछ दिन टेक्निकल इशू के कारण क्लासेस नहीं आ पा रही थी। अब आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। अब आपके फिजिक्स के पेपर आने से पहले जो ये सीरीज चालू की गई है वो सीरीज पूर्ण रूप खुल जाएगी। तो आइए, आप लोगों के कीमती समय को नुकसान ना करते हुए हम आज अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पांचवें का जो ख नंबर था वो हम लोग कर चुके थे। पेपर कोड कौन सा था? 346XS था। क्या था? ये था पेपर कोड। पांचवें का गण नंबर आपसे कब क्या रहा था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का भंजक ज्ञात कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पुट अप किए गए हैं स्टूडेंट, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखिएगा और एकदम सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास को ज्वाइन किए होंगे और जो भी क्लास को इसको शेयर नहीं किए होंगे, प्यारे बच्चों, वो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आपका समांतर प्लेट तो मानते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, जब प्लेटों के बीच कुछ भरा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हो। तो आइए प्यारे बच्चों, मानते हैं। क्या मानते हैं? माना दो समांतर प्लेटें हैं। माना दो समांतर क्या है? प्लेटें हैं, एक दूसरे की क्या है? समांतर है, ठीक। इनका नाम एक्स हो गया, इनका नाम क्या हो गया? वाई हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं? प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं स्टूडेंट? डी है, स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? स्मॉल डी है। एक बात समझ आई प्यारे बच्चों? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीज वहां पर मानी हो वो चीज आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये आप पांचवें का गण नंबर कर रहे हैं ना, तो माना क्या लिखेंगे? माना दो समांतर प्लेटें हैं। क्या है प्यारे बच्चों? दो समांतर प्लेटें हैं, जिनके दो समांतर प्लेटें एक्स और वाई हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों? स्मॉल डी है। जिनके बीच की दूरी क्या है? डी है, ठीक। मानते हैं प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई का आप क्या रख देते हो? परावैद्युत पदार्थ रख देते हो। माना प्लेटों के बीच जो है टी मोटाई का क्या रख देते हैं? परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ये आपने इसमें क्या कर दिए? टी मोटाई का कोई के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख दिए। इसकी मोटाई क्या कर दी? यहां से लेके यहां तक की मोटाई क्या कर दी? टी। तो मानते हैं, क्या करते हैं? तथा जिनके बीच टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद आप ध्यान से समझिएगा, जो अब इधर की दूरी जो थी वो टी हो गई, तो बची दूरी क्या हो गई प्यारे बच्चों? डी माइनस क्या हो गया? टी हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो पूरी डी थी वो टी तो इधर ही हो गया, तो बची दूरी क्या हो जाएगी? डी में से टी को घटा देंगे और डी माइनस टी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जब प्लेटों के बीच कुछ नहीं था, जब प्लेटों के बीच वायर था, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, एक चीज और जरा समझिएगा, हम मानते हैं इसके बीच का जो विभव है वो कितना है? विभव है टी मोटाई के कारण जो विभव है विभव है, और इसके कारण जो विभव है क्या है? वी टू है, और टोटल विभव क्या है प्यारे बच्चों? वी है। ये प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक्स और वाई की प्लेटों के बीच का विभव वी है, एक्स और आपके टी मोटाई के कारण जो विभव है वी वन है, डी माइनस टी के कारण जो विभव है वो क्या है? डी, और वी टू है प्यारे बच्चों। अब आप स्टार्ट
प्लेटों के बीच कुछ नहीं था यानी वायु भरा था, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे जब प्लेटों के बीच वायु भरा था, वायु हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो, यानी वायु में वायु भरा है तब के लिए हम लोग ई जीरो से व्यक्त करते हैं। तो हमने पढ़ा है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो ये सिग्मा है वो सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू बटे ए के, जहां ए क्या होता है? प्लेटों का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों। तो इस सिग्मा के स्थान पे अगर आप क्यू रख दोगे तो क्यू बटे ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। इस प्रकार आप ई जीरो का मान आप निकालोगे। इसी प्रकार जब प्लेटों के बीच क्या होता है, जब प्लेटों के बीच क्या रखते हैं? प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले पदार्थ भर देते हैं, के परावैद्युतांक वाले पदार्थ रख दे, पदार्थ भर दे, तब क्या होगा? पदार्थ भर दे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी डियर गाइस? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं ई बराबर वही क्या हो जाता है जो परावैद्युतांक बढ़ते हो उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो क्या होगा? सिग्मा बटी क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और सिग्मा बराबर आप जानते हैं क्यू बटे ए होता है। आप रख देंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सिग्मा का मान जब आप रखोगे क्यू बटे क्या आ जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई का मान आ गया। आप चाहो तो ये समीकरण नंबर एक बना सकते हो, ये समीकरण नंबर दो। केवल आपने क्या निकाला है, अभी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वायु था तब, और जब वायु नहीं है कोई विद्युत पदार्थ भर दिए तब। जी स्टूडेंट, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको विभव ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच का जो विभव है वो क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि आपको धारिता ज्ञात करना है। धारिता सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी होता है। हमको वी ज्ञात करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच विभव क्या निकालेंगे? प्लेटों के बीच विभव, तो प्लेटों के बीच, तो प्यारे बच्चों प्लेटों के बीच का कुल विभव, बीच का कुल विभव, तो कुल विभव क्या है प्यारे बच्चों? V बराबर V1 प्लस क्या है? V2 है। तो सोचिए V1 विभव प्रवणता का एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे? E इक्वल टू V अपान R या dV अपान dR। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो V इक्वल टू E इंटू R आ जाता है। R क्या रहता था वहां पर? दूरी रहता था। तो E तो आपको है, E आपने ये भी निकाला है, ये भी निकाले हैं, पर दूरी क्या है यहाँ? आर के स्थान पे एक बार टी है, एक बार क्या है? डी माइनस टी है। तो वी वन के स्थान पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वी वन किसके कारण उत्पन्न है? के कारण है ना, किसके कारण है? के कारण। यहाँ लिखेंगे के कारण, यहाँ के वाला क्या है? ई है। देखिए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? ई है। ई इंटू कितना हो जाएगा? E into R नहीं बल्कि E into कितना हो जाएगा? T हो जाएगा, प्लस V2 के स्थान पे क्या हो जाएगा? E naught into क्या हो जाएगा? D minus T हो जाएगा, बीच की दूरी। अब आप देखिए E का मान आप यहाँ रख सकते हैं। E का मान कितना है? देखिए Q बटे K epsilon naught हो गए into कितना हो गया? T, ये प्लस आ गए E naught का मान। आप E नॉट का मान रख सकते हैं, क्या है? क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ से आ गया डी माइनस टी। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है। तो जब आप क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा टी बटे के बच जाएगा, और प्लस वहाँ क्या बचेगा? डी माइनस टी बच जाएगा। ये आपको वी का मान आ गया। अब आप जानते हो समीकरण नंबर आप क्या बना सकते हो? तीन बना सकते हैं। अब
संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला आप जानते होंगे, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो समीकरण तीन से V का मान रख देंगे, कहां से, समीकरण तीन से V का मान रखने पर, जब आप V का मान रखोगे डियर स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, C इक्वल टू Q, V के स्थान पे आपको क्या रखना है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या है, फिर क्या है प्यारे बच्चों, T बटे कितना है, K है, प्लस कितना है, D माइनस T है, ये आ गया प्यारे बच्चों। अब आप देखिए Q से Q कैंसिल और ये ऊपर पहुंच जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है, T बटे K माइनस T बटे कितना हो गया, एक करना चाहो तो कर लो, नहीं तो जो ये प्लेटों के बीच की जो धारिता आएगी, वो धारिता का जो व्यंजक आएगा डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार आप निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों एकदम सरल लैंग्वेज में एकदम शॉर्ट तरीके से हमने आपको समझाया है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना भी पड़ता है प्यारे बच्चों, कहीं ऐसी लाइनें मत लिख दिया करो जो ज्यादा शॉर्ट हो जाए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका पांचवे का घर नंबर कंप्लीट हो जाता है। आप चलिए डियर स्टूडेंट पांचवे का आपका जो घर नंबर है वो देखते हैं, वो आपसे क्या करना चाह रहा है, आपसे क्या पुटअप करना चाह रहा है। घर नंबर कह रहे हैं अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ से क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो पूरा थ्योरी पोर्शन है, आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़े होंगे आप लोग। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या डियर स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये आप समझिएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रतिचुंबकी के बाद आपसे पूछ रहे हैं अनुचुंबकी, क्या अनुचुंबकीय पदार्थ, ऐसे आप लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। फिर उसके बाद क्या पूछा है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या लिखना रहता है, आप बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे इनके बारे में लिख सकते हैं ठीक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर, वे पदार्थ जिनको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो पदार्थ जो है चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों जरा सा समझिएगा, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप लोगे, अगर कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहेगा, ये लीजिए हम मान लेते हैं ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहा होगा, और जब इसको आप किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लेके जाओगे, जब किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लेके जाओगे, तो ये जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाएंगे, यानी ये इनसे आकर्षित कभी नहीं होंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्यारे बच्चों एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, तो वे पदार्थ जिनको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकित होते हैं, मामूली सा चुंबकित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल देखे होंगे, सोना हो गया, चांदी हो गया, आपके जितने आभूषण है वो सब क्या होते हैं, वो लोग कैसे पता करते हैं कि ये असली है कि नकली है, तो जो भी आपकी ये सोना चांदी होते हैं इनको जब आप चुंबक के समीप लेके जाओगे कि चुंबक से क्या हो जाएंगे, मामूली सब प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यदि अगर सोना में किसी दूसरे पदार्थ का मिश्रण किया गया रहेगा तो
क्या हो जाते हैं, चुंबक से आकर्षित होने लगते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वे पदार्थ जिनको जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा क्या होते हैं, मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे जो है ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, और इस गुण को, इन पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अगर जैसे भी आप देना चाहते हो तो सोना हो गया, चांदी हो गए, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, चांदी हो गए, इन सब के क्या है इत्यादि एग्जांपल आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, आप इनको देख सकते हैं, तांबा भी इसी में आप लिख सकते हो। उसी के बाद आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हल्का सा चुंबकित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्का सा आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक प्यारे बच्चों, ये हो गए। फिर मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब जो होते हैं प्यारे बच्चों, इनको ये क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग क्या कर लेते हैं, चुंबकित कर लेते हैं। प्लेटिनम भी आप लिख सकते हो प्यारे बच्चे, ये ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, ये तो सब परिचित होंगे प्यारे बच्चों। अरे वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में तेजी से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल आता है, जैसे आपने क्या लिया, कोई लौह चुंबकीय, यानी जैसे कोई लोहा ले लिया, जब आप इस लोहे की छड़ को किसी चुंबक के समीप लेके जाओगे ना, ये तेजी से क्या कर लेता है, अपनी ओर इनको खींच लेता है, तो ये क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन पदार्थों के गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं, इन पदार्थों के गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, और इन पदार्थों के गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका जो है समझ में आया होगा, तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये अथवा करके दो क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, तो एक क्वेश्चन बता देते हैं डियर स्टूडेंट, और अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, आपका जो पांचवे का अंग नंबर है उसमें दो खंड है, तो एक खंड का हमने डायग्राम बना के रखा है जिससे कि आप लोगों के टाइम की बचत हो जाए। प्यारे बच्चों, उसमें पूछा है कि खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है, उसी में एक प्रश्न और पूछा है, आवर्धक क्षमता ज्ञात करना जब पृथ्वी में स्पर्शदृष्ट की न्यूनतम दूरी पर, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशी यंत्र होता है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशी यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित
वस्तु को भी हम लोग अपने आंखों द्वारा बड़ा करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, तो इनको हम लोग बड़ा करके खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से ही ज्ञात देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अपवर्ती जो आपका एक खगोलीय दूरदर्शी होता है वो ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, बड़ा करके देख सकते हैं बच्चों। तो आइए, इसमें दो लेंस का उपयोग किया जाता है, एक होता है अभिदृश्य लेंस, एक होता है नेत्रिका लेंस। जो नेत्र के पास रहता है वो नेत्रिका लेंस कहलाता है, जो आपके नेत्र जो सबसे जो बड़ा होता है वो आपका क्या कहलाता है, अभिदृश्य लेंस कहलाता है, या जो वस्तु के समीप होता है वो अभिदृश्य लेंस कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपसे इसमें पूछा है आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालना है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम इनके किरण आरेख को समझते हैं। मानते हैं कोई वस्तु बहुत दूर पर है, अनंत पर है। कहां पर है प्यारे बच्चों, अनंत पर है। अनंत के जो वस्तु होता है उस वस्तु को आपने ए और बी दिखाया है। अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जब अभिदृश्य लेंस पे पड़ती हैं तो एक तो जो है इसके प्रकाशीय केंद्र ओ से जो है अल्फा कोण बनाते हुए ये अल्फा कोण ही क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाता है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब आप समझिए कि ये जो है इससे आपतित हुई, तो ये जब इससे आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये दोनों किरणें जो है कहां पर काटी, अभिदृश्य लेंस के फोकस दूरी यानी अभिदृश्य लेंस के मुख्य फोकस एफओ पर काटी। तो जिस जो वस्तु ए बी था उस वस्तु का प्रतिबिंब ए वन और बी वन बना। अब यही ए वन बी वन वस्तु ही इस लेंस के लिए किसका काम करने लगेगा, वस्तु का काम करने लगेगा। प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करने लगेगा। तो ये जो इस वस्तु जब ये वस्तु का काम करेगा इसका प्रतिबिंब जो है ये क्या बना देता है, ए टू और बी टू बना देता है। साफ मुद्दा ये है प्यारे बच्चों कि अगर इसके सामने आप इस मार्कर को रखते हैं तो रखने के बाद इस मार्कर का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है ये बना हुआ प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करने लगता है। प्यारे बच्चों, और जब ये वस्तु का कार्य करने लगता है इसी वस्तु का प्रतिबिंब ये और बड़ा बना देता है, जो इस प्रकार ए टू और बी टू मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप देखिए त्रिभुज यहाँ देख रहे होंगे ओ ए वन बी वन दिखाई पड़ रहे होंगे त्रिभुज। प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए वन बी वन में। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अल्फा जो है यहाँ मानेंगे कि जो आपका अल्फा है, या हम कह सकते हैं कि टैन अल्फा बराबर, प्यारे बच्चों टैन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होता है आधार होगा। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। आप देखिए यहाँ लंब कोण है प्यारे बच्चों, लंब आपका है ए वन और बी वन, क्या है ए वन और बी वन है, और आधार क्या है आपके, आधार है आपके ओ और ए वन, क्या है ओ ए वन है। प्यारे बच्चों, आप मान सकते हैं, हाँ ये माना जा सकता है कि जो ये आपके अल्फा कोण है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा है। यदि अल्फा कोण अत्यंत छोटा हो, यदि अल्फा कोण अत्यंत क्या हो, सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा के। अर्थात यहाँ अल्फा लिख सकते हैं, टैन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ए वन और क्या हो गए बी वन। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जो ओ ए वन है ओ से लेके ए वन के बीच की दूरी जो है वो आप देखिए प्यारे बच्चों, ओ से लेके ए वन की जो दूरी है वो आप एफ ओ कह सकते हो प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं डियर स्टूडेंट कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एफ ओ हो जाएगी, ये आप लिख सकते हैं। कहाँ से पाए, ओ ए वन, ओ ए वन बराबर क्या आ गया, एफ ओ आ गए, ये आपने बना दिए। आप इन्हें समीकरण नंबर क्या बना सकते हो, एक बना सकते हो। इसी प्रकार आप त्रिभुज देखिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज कौन है, ए वन बी वन ई दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज ए वन बी वन ई में टेन बीटा लगा देंगे प्यारे बच्चों, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार,
लंब बटी क्या हो जाएगा आधार। लंब यहां पर क्या है ए वन बी वन है, क्या है ए वन और बी वन है प्यारे बच्चों। और आधार, आधार क्या है वही ए वन इंटू क्या हो जाएगा ई, ए वन इंटू ई प्यारे बच्चों। फिर से वही मानेंगे यदि बीटा कोण अत्यंत सूक्ष्म हो तो बीटा, यदि बीटा कोण क्या हो यहां लिख लेते हैं, यदि बीटा कोण अत्यंत क्या हो सूक्ष्म हो, यदि बीटा कोण अत्यंत क्या हो सूक्ष्म हो तो बीटा बराबर क्या होगा टैन बीटा, तो टैन बीटा बराबर भी बीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जहां टैन बीटा है वहां क्या रखेंगे बीटा रख देंगे, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए वन बी वन बटे ए वन ई, ए वन से लेके ई तक की दूरी क्या है एफ ई है, क्या है प्यारे बच्चों एफ ई है। आप देख सकते हैं ए वन से लेके यफो के बीच की दूरी, आप यहाँ देखिए यहाँ स्पेस देखिए A1 से लेके E की दूरी क्या है UB है, और आप प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं चिन्ह परिपाटी लगाओगे तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, यहाँ क्या आ जाएगी E माइनस UE आ जाएगा, A1 E बराबर क्या है माइनस UE लिख देंगे। लिखिए प्यारे बच्चों ये आप क्या बना लोगे, ये आप बनाओगे समीकरण नंबर दो। आपको आवर्धन क्षमता निकालना है, नेक्स्ट क्या है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यम बराबर आपने क्या पढ़ा है बीटा बटे अल्फा, क्या पढ़े हो प्यारे बच्चों यम बराबर आपने पढ़ा होगा बीटा बटे क्या होता है अल्फा होता है प्यारे बच्चों। अब आप बीटा का मान देख सकते हैं, बीटा का मान है ए वन इंटू बी वन अपान कितना है माइनस यू ई, और अल्फा का मान क्या है ए वन बी वन, तो प्यारे बच्चों वो आप क्या रख सकते हैं ए वन बी वन और पूरे की बटी क्या है यफ ओ है, यफ ओ ए वन बी वन कैंसिल हो जाएगा ये ऊपर आ जाएंगे, यम बराबर क्या पा जाओगे बच्चों यफ ओ माइनस बटे यू ई, ये आ गए आवर्धन क्षमता का फार्मूला एकदम सरल लैंग्वेज में दिए स्टूडेंट। इस प्रकार आपका ये आवर्धन क्षमता का क्या आ जाता है फार्मूला आ जाता है पहले बच्चों, यही आवर्धन का फार्मूला है पहले बच्चों। अब आपसे इसी ने कंडीशन दिया है जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का है, तो प्यारे बच्चों आप इसे समीकरण नंबर बनाना चाहते हो तो तीन बना लीजिएगा, आइए उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बनता है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बनता है, यहां स्थिति लिखते हैं क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बी पर बने तब क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं जो प्रतिबिंब है जो ये प्रतिबिंब की दूरी बनी है वो प्रतिबिंब की दूरी आप जानते हो वी ई से व्यक्त करते हैं, तो ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वी की हो जाएगा, तब क्या होगा तब जो VE होगा वो माइनस D के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और जो आपका U है वो UE तो है ही, और जो F है वो क्या हो जाएगा FE हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो FO है वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों FE के बराबर हो जाएगा, या F किसके बराबर हो जाएगा FE के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या करता है वन अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ, प्यारे बच्चों को उधर कर देते हैं तो माइनस वन अपान यू है बराबर एक बटे एम है, ये उधर जाएंगे एक बटे बी हो जाएंगे ये स्टूडेंट। अब आप देखिए मान रखेंगे यू के स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ एक बटे माइनस यू ई रखेंगे प्यारे बच्चों बराबर एक बटे एम, यम के स्थान पे क्या रखेंगे एफ ई रख देंगे माइनस एक बटे बी, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा आपका एक बटे माइनस डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक बटे यू ई,
यहाँ क्या आ गया एक बटे एफ ई और ये प्लस एक बटे क्या आ गया डी आ गया था बच्चों। अब ये यू ई का मान आ गया, क्या आ गया एक बटे यू ई का मान। ये समीकरण नंबर आप क्या आ गया चार आ गया। समीकरण चार से एक बटे यू ई का मान समीकरण तीन में रखने पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण चार से, समीकरण चार से एक बटे यूई का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो डियर स्टूडेंट आइए हम लोग समीकरण तीन में रखते हैं। तो समीकरण तीन यही है आपका, देख लेते हैं क्या है प्यारे बच्चों। समीकरण तीन क्या था, एम बराबर माइनस एफ ओ अपान यूई था, माइनस एफ ओ इंटू वन अपान यूई रख लिए, माइनस एफ को वन अपान यूई का मान कितना आया प्यारे बच्चों, ये देखिए वन अपान कितना है एफ ई है, फिर क्या है प्लस वन अपान डी है प्यारे बच्चों ये आ गए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना सॉरी इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ओ अपान कितना आ जाएगा एफ ई आ जाएगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप ऐसे समझिएगा प्यारे बच्चों, आपने इनका यहाँ इनसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आप बाहर रखिएगा और इनका यहाँ से कर दिए प्लस एफ ओ अपान कितना दिया गया। आप यहाँ पर भी इनको छोड़ सकते थे डियर स्टूडेंट। अब आप सोचिए एफ ओ अपान एफ ई यहाँ से क्या कर ले कॉमन कर ले, तो माइनस एफ ओ अपान जब एफ ई कॉमन करूँ माइनस नहीं केवल एफ ओ अपान एफ ई कॉमन होगा, ये माइनस पहले से है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा और यहाँ से एफ ओ तो कॉमन हो जाएगा पर ये कॉमन नहीं होगा कि ये यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एफ ई अपान कितना हो गया डी। ये आ गए प्यारे बच्चों आवर्धन क्षमता का फार्मूला जब स्पष्ट लिस्ट की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब के लिए प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये व्यंजक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, और जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम लोग अगली क्लास में जरूर समाप्त करा देंगे डियर स्टूडेंट। अगर क्लास वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जम के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिस प्रकार ये आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रकार हर एक बोर्ड वाले इस सत्र में जितने बच्चे होंगे 12 के हर एक बच्चों के लिए ये क्लास जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।